इंडिया, कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब, तो कैंडिडेट बताइए कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है? किसी को पता है कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है? कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है? व्हाट मीन बाय कॉन्स्टिट्यूशन? आप पढ़ रहे हो पॉलिटिकल साइंस, ठीक है? अगर मैं बात करूं पॉलिटिकल साइंस, अगर आप रीड कर रहे हो, तो आपको पॉलिटिकल साइंस में सबसे पहला ये पता होना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया क्या होता है। टेल मी, कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है? कॉन्स्टिट्यूशन रीड क्यों करते हैं, पढ़ते क्यों हैं? कोई बंदा ऐसा है जो इसका जवाब दे सकता है? कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते क्यों हैं हम और इसकी जरूरत क्यों होती है? तो सबसे पहली बात, कॉन्स्टिट्यूशन को हम रीड क्यों करते हैं, ठीक है? चलिए मैं ही बता देता हूँ कौन क्या होता है। हमारे कंट्री का रूल्स एंड रेगुलेशन प्रॉपर चल सके उसके लिए लॉ होती है, एक लॉ की बुक होती है जिसे हम क्या बोलते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब कंट्री का रूल्स एंड रेगुलेशन प्रॉपर वे में चल सके, जिसके लिए रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए जाते हैं उसे बोला जाता है कॉन्स्टिट्यूशन, उसे बोला जाता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ठीक है? तो कॉन्स्टिट्यूशन किसे बोला जाता है, जो रूल्स एंड रेगुलेशन हमारा चल सके, ठीक है? तो कॉन्स्टिट्यूशन का पहले जो आइडिया जो था, आइडिया कॉन्स्टिट्यूशन का जो आइडिया था वो किसने दिया था? तो आइडिया किसने दिया था, एम एन रॉय। किसने दिया था आइडिया कॉन्स्टिट्यूशन का, एम एन रॉय। आइडिया किसने दिया था, एम एन रॉय। तो कॉन्स्टिट्यूशन का आइडिया सबसे पहले किसने दिया था, एम एन रॉय, ठीक है? तो एम एन रॉय ने सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन का आइडिया दिया था, ठीक है? द आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज गिवन बाय एम एन रॉय। तो एम एन रॉय ने कॉन्स्टिट्यूशन का सबसे पहले आइडिया गिवन किया था। तो सबसे पहला आपका पॉइंट होगा कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है, उसका जो आइडिया गिवन किया था वो एम एन रॉय ने दिया था। सबसे पहली पॉइंट यही थी, ठीक है? उसके बाद मैं बात करूंगा कि कॉन्स्टिट्यूशन का, चलो हमें आइडिया मिला, लेकिन हमें कौन से मिशन ने परमिशन, अब देखिए कॉन्स्टिट्यूशन हमें बनाना था तो उसके लिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होनी चाहिए, जिसे हम बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का मतलब होता है संवैधानिक सभा। एक संवैधानिक सभा होनी चाहिए जो कॉन्स्टिट्यूशन की ही बात करे, कोई अलग बात ना करे। तो हमें नीड हुई कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की। ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो था, ये असेंबली बनाना है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाना है। तो ये असेंबली अगर बनाना है तो इसका हमने जो फॉर्मेशन किया वो हमने किया 6 दिसंबर 1946 को हमने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का फॉर्मेशन किया। तो फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑन अ 6 दिसंबर 1946। तो कैंडिडेट सबसे पहला कॉन्स्टिट्यूशन मतलब होना चाहिए, ये आइडिया एम एन रॉय ने दिया। और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो फॉर्मेशन हुई, फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑन 6 दिसंबर 1946। तो 6 दिसंबर 1946, मतलब 6 दिसंबर 1946 को आपने फॉर्मेशन किया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो जाहिर सी बात है, जब फॉर्मेशन हुआ रहेगा तो लोग एक दूसरे को लड्डू पेड़ा खिलाए होंगे, ठीक है भाई? चलो अब तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा ही, ठीक है? लेकिन लेकिन इसकी परमिशन किसने दी थी? तो ये कब बोला गया था कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना, तो कैबिनेट मिशन प्लान के बाद, आफ्टर कैबिनेट मिशन प्लान, इंडिया को परमिशन दी गई, इंडिया के लोगों को परमिशन दी गई, लीडर्स को परमिशन दी गई। कैबिनेट मिशन प्लान कम इन इंडिया इन 1946। तो कैबिनेट मिशन प्लान जो था, CMP, कैबिनेट मिशन प्लान, कैबिनेट मिशन प्लान कैम इन इंडिया 1946, ठीक है? और इसी ने परमिशन दिया कि आप अपनी
कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाओ, जो असेंबली आपको हेल्प करेगी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बनाने के लिए। देखो दो वर्डों पे, एक कॉन्स्टिट्यूएंट और एक कॉन्स्टिट्यूशन। तो कॉन्स्टिट्यूएंट मतलब होता है संवैधानिक, और असेंबली मतलब होता है सभा, और कॉन्स्टिट्यूशन मतलब होता है संविधान। तो संविधान था, तो संविधान बनाएगा कौन? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाएगी संविधान। ठीक है, चलो हमने इसका फॉर्मेशन कर लिया। अब कैंडिडेट, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात बोली जाती है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का जो आपका कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का जो फर्स्ट सिटिंग था, जो फर्स्ट सिटिंग था, ये फर्स्ट सिटिंग कब हुआ था? तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का जो फर्स्ट सिटिंग था वो कब हुआ था? तो फर्स्ट सिटिंग जो था इसका हुआ था ऑन 9th December 1946। मतलब 6 दिसंबर को आपने फॉर्मेशन किया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की फर्स्ट सीटिंग हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। ठीक है, तो कैंडिडेट थोड़ा सा आपको आज तकलीफ का सामना करना पड़ेगा, बिकॉज कि मेरे जो पीडीएफ है, ठीक है, मेरे लैपटॉप अपडेट होने के बाद मैं सारे नोट्स आपको शो कर दूंगा। ठीक है, तो आप जितना ज्यादा उतना समझिए। देखिए, ये आपके माइंड पे भी एक पीडीएफ प्रिंट होना चाहिए, जो कि जरूरी है। ठीक है, हेलो, बोलिए। हेलो, हाँ सर, ज्योग्राफी आपने स्टार्ट किया था वो बाद में होगा क्या? हेलो, चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। अब बात आती है ऑन 9 दिसंबर को हमने क्या किया था, फर्स्ट सीटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ओके, आवाज आ रही है सभी को मेरी? आवाज आ रही है, एक बार कंफर्म कर लो, आवाज आ रही है मेरी सभी को? आवाज आ रही है? तो मुझे ये बताइए, कॉन्स्टिट्यूशन बनना चाहिए ये आइडिया किसने दिया? कॉन्स्टिट्यूशन बनना चाहिए,
एमएन रॉय, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए परमिशन किस प्लान ने दिया? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए कैबिनेट मिशन प्लान इंडिया में कब आया था? 1946 को क्या हुआ था? 6 दिसंबर 1946 को क्या हुआ था? फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हुई थी 9 दिसंबर को. क्या हुआ था 9 दिसंबर को? क्या हुआ था? फर्स्ट सिटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. और 9 दिसंबर को फर्स्ट टेम्पररी चेयरमैन सिलेक्ट किए गए थे. फर्स्ट टेम्पररी चेयरमैन कौन थे? तो फर्स्ट टेम्पररी चेयरमैन जो थे, राइट डाउन, फर्स्ट टेम्पररी चेयरमैन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा. डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा. ठीक है, तो ये टेम्पररी चेयरमैन थे. मतलब उस समय क्या था, अभी फॉर्मेशन हुआ था, फर्स्ट सिटिंग हुई थी, फर्स्ट सिटिंग के बाद उन्होंने ये सोचा कि चेयरमैन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का किसे बनाया. उन्हें ये समझ में आया जो सबसे ज्यादा सीनियर सिटीजन होगा उनको ही हम टेम्पररी चेयरमैन बना देंगे. तो टेम्पररी चेयरमैन जो हमने इलेक्ट किया उनका नाम था डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा. क्या नाम था? डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा को चेयरमैन कब चुना गया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का? ऑन 9 दिसंबर 1946 को. कब चुना गया था? 9 दिसंबर 1946 को. देन बात आती है कि 11 दिसंबर 1946, अनदर इंपॉर्टेंट डेट. यू हैव टू रीड इट ऑन डेट वाइज डेट. आपको डेट वाइज डेट पढ़ना है. ठीक है, 11 दिसंबर को क्या हुआ था बताओ? 11 दिसंबर को फर्स्ट परमानेंट चेयरमैन चुने गए. कौन चुना गया? डॉक्टर बाबा साहब, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद. डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद. ठीक है, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अपॉइंट किया गया परमानेंट चेयरमैन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. सबसे इंपॉर्टेंट बात, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की पहली सिटिंग कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946. कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की उस 9 दिसंबर को ही फर्स्ट मतलब टेम्पररी चेयरमैन चुना गया था, चेयरमैन इलेक्ट किया गया था चेयरमैन. तो वो जो चेयरमैन था हमने किसको बनाया था? वो जो चेयरमैन था हमने बनाया था डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा. 9 दिसंबर को हमने फर्स्ट टेम्पररी चेयरमैन बनाया था डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा को. इज दिस क्लियर? फिर उसके बाद आता है डेट, आता है जो हमारा 11th दिसंबर. कौन सा डेट आता है? 11 दिसंबर 1946 को हमने क्या किया था? 11 दिसंबर 1946 को हमने क्या किया था? फर्स्ट परमानेंट चेयरमैन चुना था. फर्स्ट परमानेंट चेयरमैन चुना था. किसको चुना था फर्स्ट परमानेंट चेयरमैन? तो हमने फर्स्ट परमानेंट चेयरमैन चुना था
डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, किसे चुना था? डॉक्टर राजेंद्र, ठीक है, तो राजेंद्र प्रसाद को चुना था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना था, ठीक है। 11 तक की बातें हमें समझ में आ गई, और अब बात होती है 13 दिसंबर की, तो कैंडिडेट आपके लिए ये भी सबसे इम्पोर्टेंट हो जाता है, 13 दिसंबर 1946, 13 दिसंबर 1946 को ये सोचा गया कि हम कौन रूल्स एंड रेगुलेशन पता हो इसीलिए। अच्छा, रूल्स एंड रेगुलेशन पता हो इसलिए। और कोई आंसर दे सकता है? एग्जाम पास होने के लिए। एग्जाम पास होने के लिए, बहुत सही। और कोई आंसर दे? नॉलेज और एग्जाम पास करने के लिए दोनों। सकता है? हेलो हेलो यस सर, हेलो तो आपका एक ऑब्जेक्ट तो करेक्ट है कि आपने एक ऑब्जेक्ट लिया है कि आपका एम है, आपका एम क्या है? तो आपने अपना एम बताया कि सर हमारा एम है नॉलेज लेना, पास होना, जॉब निकालना, ये आपका एम है। उसी प्रकार उन लोग को लगा, उसी तरह उन लोग को लगा कि हमारा भी कुछ एम होना चाहिए, तो उन्होंने 13 दिसंबर 1946 को ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पास किया। क्या पास किया? क्या पास किया? ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। क्या पास किया? ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। तो 13 दिसंबर 1946 ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पास बाय किसके द्वारा पास हुआ? तो पास बाय पंडित जवाहरलाल नेहरू। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पास बाय पंडित जवाहरलाल नेहरू। बोलो, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन किसने पास किया? पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पास करने के पीछे मकसद क्या था? ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पास करने के पीछे मकसद ये था कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए। होना चाहिए तो वो कैसा होना चाहिए, उसका एम क्या है, किस टारगेट तक पहुंचे तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन के रेडी हो जाए, ठीक है।
ऑब्जेक्ट बहुत जरूरी होता है. ओके, इज दिस क्लियर? यस सर. इज दिस क्लियर? तो क्या हुआ था 9 दिसंबर का, फिर से बताओ ना. हेलो हेलो हेलो. हाँ सर, 9 दिसंबर का बताओ. हाँ बोलिए. अच्छा, 9 दिसंबर को क्या हुआ था बताऊं? 9 दिसंबर को फर्स्ट सिटिंग हुआ था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का, फर्स्ट सिटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का. डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा वाज अपॉइंटेड द फर्स्ट टेम्पररी चेयरमैन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. ठीक है. एंड 11 दिसंबर 1946 डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अपॉइंटेड फर्स्ट परमानेंट चेयरमैन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. ऑन 13 दिसंबर 1946 ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पास बाय पंडित जवाहरलाल नेहरू. इज दिस क्लियर? Once again, I repeat each and every point. You have to note it down. First point, M.N. Roy given by idea of constitution. ठीक है. Cabinet mission plan was given approval by Indian National Congress to make Constituent Assembly for making our constitution. ठीक है. मतलब तुम्हारा constitution बनाओ, इसके लिए तुम क्या करो, हमने अप्रूव कर दिया, तुम constituent assembly बना सकते हो. ठीक है. कैबिनेट मिशन प्लान के बाद इन्होंने 6 दिसंबर 1946 को फॉर्मेशन किया. किसका फॉर्मेशन किया? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का. 9 दिसंबर को फर्स्ट सिटिंग हुई, उस फर्स्ट सिटिंग में उन्होंने डिसीजन लिया, डिसीजन मेकिंग किया कि डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा फर्स्ट टेम्पररी चेयरमैन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. 11 दिसंबर को लेटर ऑन टू डेज डिसाइडेड बाय कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली आवर परमानेंट चेयरमैन. ठीक है. हमारे जो परमानेंट चेयरमैन होंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद. एंड ऑन 13 दिसंबर 1946 ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पास बाय पंडित जवाहरलाल नेहरू. इज दिस क्लियर? यस सर. ऑल ऑफ यू सर, अच्छे से समझाए सबको डेट वाइज? यस सर. ऑन नेक्स्ट डेट लिखो, ऑन 22nd July 22nd July ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पास. ऑन 22nd July ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पास. On 22nd July, objective resolution. ठीक है. On 22nd July, national flag adopted. On 22nd July, 1947. On 1947. ठीक है. National flag was adopted. On 22nd July, national flag was adopted. तो 22nd July 1947 को हमने अपना national flag adopt किया tricolor. तीन कलर में हमने अपना national flag adopt किया. टेल मी एनीवन कि हमारे जो नेशनल फ्लैग में मिडल में एक व्हील होता है, ठीक है, मिडल में एक व्हील होता है, उसमें कितने स्पोक्स होते हैं?
24 और वो क्या रिप्रेजेंट करते हैं? 24 आवर्स. वेरी गुड. 24 आवर्स को रिप्रेजेंट करते हैं. ठीक है, 24 स्पोक्स रहते हैं, वो 24 आवर्स को रिप्रेजेंट करते हैं. टेल मी व्हाट इज योर नेम? कोमल वर्मा. वेरी गुड कोमल, एक्सेलेंट. कहाँ सीखा था? सर याद था. क्यों याद था, कहाँ सीखा था मैंने पूछा? नहीं. हाँ सर, वो स्कूल में होता है ना. ओके ओके ओके, वेरी गुड. ये 24 जो व्हील्स थे, 24 ये बुद्धास के टाइम से ही चले आ रहे थे. ये 24 जो थे पहले आर्स, ये पहर में डिवाइड होते थे. पहला पहर, दूसरा पहर, तीसरा पहर, चौथा पहर. ठीक है, तो ऐसे पार्ट में डिवाइड होते थे. लेटर ऑन ये आर्स में डिवाइड होने लगे. ठीक है, 6 hours, 6 hours, 6 hours, 6 hours, 8 hours, 8 hours, 8 hours, फिर 12 hours, 12 hours. तो मतलब इस प्रकार से ये डिवाइड होने लगा. ठीक है, तो ये जो हमने जो ये, ठीक है, ये स्पोक्स होते हैं, 24 स्पोक्स होते हैं इसमें, व्हील्स में. ठीक है, और हमारे फ्लैग का रेशो क्या होता है? फ्लैग का रेशो क्या होता है? फ्लैग का रेशो क्या होता है? ओके, ऑप्शन दो. यस सर. 2:3 और 3:2. 3:2 इज योर राइट आंसर. वेरी गुड. ओके, कम टू द नेक्स्ट पॉइंट. Write down finally 26 November 1949. ठीक है, क्या हुआ था 26 नवंबर 1949 को? क्या हुआ था? कॉन्स्टिट्यूशन वॉज एडॉप्टेड. क्या किया गया था? एडॉप्टेड. एडॉप्टेड का मतलब होता है अपनाया गया था. क्या किया गया था? अपनाया गया था. मतलब हमने बोला देखो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन के रेडी हो गया. अच्छा, ये लिखा सब लोग ने पॉइंट. 26 नवंबर 1949 कॉन्स्टिट्यूशन वॉज एडॉप्टेड. यस सर. ऑन 26 नवंबर 1949 कॉन्स्टिट्यूशन वॉज एडॉप्टेड. एडॉप्टेड बाय कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. Once again, on 26 November 1949, Constitution was adopted by Constituent Assembly. Is this clear? Yes, sir. अब उसमें उसके नीचे पॉइंट लिखो. इट टुक, राइट डाउन कैंडिडेट. इट टुक लिखो. इट टुक 2 years. इसे कितना समय लगा? 2 years 11 months 18 days. 2 साल 11 महीने 18 दिन का समय लगा हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनने के लिए. 2 साल 11 महीने 18 दिन का टाइम लगा. ठीक है,
देखो ऑन 24th January ऑन 24th January 1950 ठीक है 24th January 1950 को वी वर अडॉप्टेड हमने अडॉप्ट किया था नेशनल सॉन्ग एंड नेशनल एंथम ऑन 24th January 1950 वी वर ठीक है हमने अडॉप्ट किया था वी वर अडॉप्टेड आवर नेशनल सॉन्ग एंड नेशनल एंथम ठीक है बीच में मैं थोड़ा सा म्यूट था क्योंकि थोड़ा से गणपति विसर्जन के टाइम है तो गणपति बप्पा जा रहे और यहाँ पे थोड़ा सा साउंड आ रहा है इसलिए मतलब सोसाइटी में है तो थोड़ा सा साउंड आ रहा है इसलिए थोड़ा सा मैं म्यूट हो गया था ताकि आपको डिस्टर्ब ना हो ऑन 24th January 1950 हमने क्या अडॉप्ट किया था ये बताओ क्या अडॉप्ट किया था नेशनल सॉन्ग और नेशनल एंथम ये सबको समझा है सबको समझा है अच्छा बट यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आती है कैंडिडेट सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट अगर आपका आएगा अब बात करेंगे नाउ जिसका मुझे था इंतजार वो घड़ी आ गई दोस्तों तो जी हाँ दोस्तों ये जो था आपका 26 जनवरी 1950 को हमें अपने देश पे प्राउड फील हुआ क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन कम इनटू फोर्स तो ऑन 26 January 1950 our constitution was come in force force matlab lagu hua to hamara samvidhan lagu kab se hua 26 January 1950 कब से लागू हुआ कैंडिडेट बताओ 26 January 1950 को हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो लागू हुआ पूछो क्यों क्यों सर अब पूछो सर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन तो बन के तैयार हुआ था 26 नवंबर को बोलो बोलो
बोलो बोलो यस सर। बन के रेडी हुआ था बताओ 26 नवंबर 1949। देखो कैंडिडेट ऐसा क्यों हुआ था, मैं बताऊं स्टोरी, आप सुनोगे? यस सर। सुनोगे? देखो जब 26 नवंबर को जब कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार हुआ, उस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू भी बैठे थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल बैठे थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बैठे थे, तो लोग बात कर रहे थे यार कॉन्स्टिट्यूशन तो बन गया, आप किस दिन लागू करेंगे? तो उसमें से एक बोले कि जवाहरलाल नेहरू जी आपके बर्थडे के दिन करते, नहीं 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 सरदार पटेल जी आपकी शादी की सालगिरह पे करते, नहीं नहीं नहीं, तो उनमें कॉमेडी होने लगा। क्या होने लगा? कॉमेडी। तो वो आपस में एक दूसरे पे कॉमेडी करने लगे, तो फिर सब बोलते ना अब हमें सीरियस होके इस पे बात करना पड़ेगा, तो बोले ठीक है सीरियस हो जाते हैं बात करते हैं। तो लोगों ने बात किया कि याद है पंडित जवाहरलाल नेहरू जी आपने लाहौर सेशन में 1920 में क्या बोला बंदे ने? क्या बोला? लाहौर सेशन में 1920 में। वेरी गुड, लाहौर सेशन में 1929 में। कब? लाहौर सेशन 1929 पूर्ण स्वराज्य डिमांडेड। क्या डिमांड हुआ था? पूर्ण स्वराज्य। किसका डिमांड हुआ था? पूर्ण स्वराज्य का डिमांड किया था। किसने किया था? पंडित नेहरू। पंडित जवाहर लाल नेहरू ने। किसने किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1929 में पूर्ण स्वराज्य का डिमांड किया था। ब्रिटिशर्स ने इसे नहीं सुना, तो उन्होंने 26 जनवरी को 1930 को पटाखे लगा के बम फोड़ के खुद ही इंडिया का क्या मनाया बताओ? इंडिपेंडेंस। तो इंडिपेंडेंस ही मनाया। किसका मनाया? इंडिया का आजादी दिवस मनाया 26 जनवरी 1930 को। इसीलिए उन्होंने 26 जनवरी 1950 को उन्होंने चुना। क्या चुना बताइए? क्या चुना? कैंडिडेट बोलो फटाफट बोलो। कॉन्स्टिट्यूशन को फोर्स में लाना, ठीक है? बहुत अच्छे बच्चे लोगों, आप लोग मुझे बताओ कॉन्स्टिट्यूशन का आइडिया किसने दिया? एम एन रॉय। कॉन्स्टिट्यूशन का एडवाइस किसने दिया? सर ये आपने बताया नहीं ना? तो एडवाइस दिया बी एन रॉय ने और आइडिया दिया एम एन रॉय ने। बोलो बोलो बोलो, मैंने क्या बोला? एडवाइस दिया बी एन रॉय ने और आइडिया दिया एम एन रॉय ने। आइडिया गिवन बाय एम एन रॉय एंड एडवाइस गिवन बाय बी एन रॉय, ठीक है? एडवाइस पे चलते हैं बी एन रॉय, आइडिया पे चलते हैं एम एन रॉय। तो डोंट बी कंफ्यूज, रीड अगेन एंड अगेन सो यू हैव टू रिमेम्बर इट। आर यू गेटिंग इट? यस सर। इज इट क्लियर ऑल ऑफ यू व्हाट आई एम सेइंग नाउ? यस सर। एंड यू हैव टू पे अटेंशन। कैबिनेट मिशन प्लान केम इन इंडिया इन विच ईयर? टेल मी। 1946। बहुत सही, आगे बताओ। द फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इन विच ईयर?
The formation of constituent assembly in which year? Tell me the first answer. 6th December 1946. Dear candidate, it's a not a year, it's a date. 6th. On a 6th. On 6th is your date. I am asking you, tell me the in which year formation of the Constituent Assembly. So your answer will be what? 1946. Is this clear? Yes, sir. On 9th December 1946, what happened? First temporary chairman, Dr. Sachidanand Sinha, first chairman of Constituent Assembly. Is this permanent chairman or temporary chairman? Temporary. Oh, well done. That's good. Great. And 11th December 1946, why this date is most important? First chairman. Permanent chairman appointed. The first temporary chairman is appointed on 13th December 1946. Did you remember it? Objective resolution was passed by Pandit Jawaharlal Nehru. 22nd July 1947. Why this date is most important? Tell me. National flag was erected. Very good. Very good. Excellent. आप ऐसे ही आगे बढ़ते रहे. एंड टेल मी व्हाट इज द रेशियो ऑफ नेशनल फ्लैग. 3:2. Candidate, tell me national animal. Tiger. Bengal tiger. It's a Bengal tiger. What is the emblem of RBI? Palm tree with tiger. Tiger and palm tree. Palm tree. मुझे बताइए 1964 के पहले क्या था RBI का emblem? टाइगर विद लायन. नहीं, पैंथर एंड पाम ट्री. लायन एंड पाम ट्री. लायन एंड पाम ट्री. नहीं, सुनो मेरी बात. तुम्हारा नाम क्या है? चार्मी. क्या नाम है? सॉरी, चार्मी. ठीक है मैडम. सबसे पहले लायन एंड पाम ट्री जो लोगो था, ईस्ट इंडिया कंपनी का लोगो था. किसका लोगो था? ईस्ट इंडिया कंपनी. ऑन द बेसिस ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी लोगो, लायन एंड पाम ट्री, ब्रिटिश गवर्नमेंट हैड टुक टेकन. क्या किया था ब्रिटिश गवर्नमेंट ने? इसको रखा था आरबीआई का लोगो, पैंथर एंड पाम ट्री, टिल 1964. और 1964 के बाद हुआ टाइगर एंड पाम ट्री. ठीक है. Is this clear? चलिए अब आगे बढ़ते हैं. अब टाइगर नेशनल एनिमल हो गया. ठीक है. नेशनल वर्ड क्या है हमारा? सप्तमेव जयते. नेशनल वर्ड क्या है? पीकॉक. पीकॉक.
प्लीज वेट 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 हाँ वेट 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 फॉर टू मिनट्स स्टार्ट करें कैंडिडेट यस सर स्टार्ट करें तो आपने कहां तक लिखा है कहां तक लिखा है कैंडिडेट 26 जनवरी 1950 तक लिखा है ना यस सर आगे लिखिए ठीक है Some important facts. Heading डालिए some important facts. The world's largest written constitution is India पूरे विश्व में सबसे बड़ा लिखित संविधान किसका है इंडिया का ठीक है सेकेंड पॉइंट Our constitution is a flexible and a rigid. Our constitution is a flexible as well as rigid. अच्छा कोई बता सकता है ऐसा क्यों बोला जाता है हमारा संविधान फ्लेक्सिबल भी है एंड रिजिड भी है अकॉर्डिंग टू जो हमें जरूरत होती है उसके हिसाब से हम नया कुछ कानून बना सकते हैं यस यस बहुत सही इसलिए ये क्या होता है फ्लेक्सिबल होता है क्योंकि हम अमेंडमेंट कर सकते हैं क्या कर सकते हैं अमेंडमेंट चेंजेस कर सकते हैं एंड रिजिड क्यों है क्योंकि हम पेरेंट एक्ट को चेंज नहीं कर सकते और एक बार कानून बन गया तो हम उसे क्या नहीं कर सकते हटा नहीं सकते
ठीक है, हटा नहीं कर, उसमें चेंजेस कर सकते हैं लेकिन उसको हटा नहीं सकते, चेंजेस कर सकते, कानून वही रहेगा, ठीक है, चेंजेस कर सकते हैं। आई बात समझ में? जैसे तीन तलाक हुआ ना, ठीक है, कानून बन चुका है ना तीन तलाक का, सुना है? Yes, sir. क्या कानून है? हेलो, यस सर, क्या कानून है मैं आपसे पूछ रहा हूं। अच्छा ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ के आना तो बताना मुझे, ठीक है। जैसे तीन तलाक का कानून आया है, ठीक है, कि पहले लोग तीन बार तलाक तलाक बोलते थे, तो ये हमारे मुस्लिम रिलीजियस में क्या होता था कि उसको बोलते थे कि अब तीन तलाक बोल दिया तो आपकी शादी टूट गई, ठीक है। अब कोई ऐसा ऑफिशियली ऐसा तोड़ नहीं सकता है, तीन तलाक बोल के शादी नहीं तोड़ सकता है, ठीक है। तो वो थोड़ा सा गवर्नमेंट का रिस्ट्रिक्शन रहेगा कि आप अचानक किसी की जिंदगी इतने सस्ते में क्यों छोड़ सकते हो, मतलब अचानक से ऐसे किसी को क्यों छोड़ सकते हो, ठीक है। तो उसमें चेंजेस हो सकते हैं लेकिन वो कानून खत्म नहीं हो सकता, ठीक है। जैसे किसान का कानून आया है, फार्मर्स आए दिनों प्रोटेक्ट करते रहते हैं लेकिन वो कानून नहीं हट सकता क्योंकि एक बार कानून बन चुका है। हाँ, उसमें अमेंडमेंट हो सकते हैं लेकिन कानून चेंज नहीं हो सकता है, ठीक है। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो नेक्स्ट लिखो, आयरन मैन ऑफ इंडिया, आयरन मैन ऑफ इंडिया, इंडिया का आयरन मैन किसे बोला जाता है? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल, आयरन मैन ऑफ इंडिया एंड बिस्मारक ऑफ इंडिया, बिस्मारक ऑफ इंडिया आल्सो नोन एज बिस्मारक ऑफ इंडिया। सरदार वल्लभ भाई पटेल को बिस्मारक ऑफ इंडिया भी बोला जाता है। टेल मी द वन थिंग कि जो सबसे बड़ी स्टैचू है वो किसकी है वर्ल्ड में? उसका नाम क्या है? स्टैचू ऑफ यूनिटी। कितने मीटर की है? कितने मीटर की हाइट है उसकी? कितने मीटर की हाइट है? Tell me. Tell me. 182. 182. और कोई? 184. चलो देखो, ये जो मेन मेन चीज है, मेन मेन वर्ड रहते हैं, हमें पढ़ लेने चाहिए, जो कि हमारे एग्जाम में सबसे इंपॉर्टेंट है, जो हमारे एग्जाम में सबसे इंपॉर्टेंट है, जो हमारे एग्जाम में सब।
टेल मी बताओ कितना मीटर है सरदार वल्लभ भाई पटेल का, बताओ सभी लोग। 182। स्टैचू ऑफ यूनिटी, ये स्टैचू ऑफ यूनिटी किधर है? गुजरात में है। कहाँ पे? गुजरात नर्मदा वैली। गुजरात नर्मदा वैली। और एक बात बताओ, इसको पूरे कंस्ट्रक्शन की कॉस्ट कितनी आई थी ये बताओ? कितनी आई थी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट? 2700 करोड़। ठीक है, लार्सन एंड टूर्बो कंपनी द्वारा नर्मदा वैली पे ये लोकेटेड है, गुजरात में। 182 मीटर है। ठीक है, केवड़िया रेलवे स्टेशन से ये 5 किलोमीटर की दूरी पे है स्टैचू ऑफ यूनिटी, जो कि सबसे बड़ी प्रतिमा सरदार वल्लभ भाई पटेल की। ठीक है, आई बात समझ में? ठीक है, नेक्स्ट है, नेक्स्ट राइट डाउन। फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ इंडियन स्टेट। फैक्ट लिखो, फटाफट लिखो। फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ इंडियन स्टेट बार बार पूछा जाता है, तो टेल मी। सुचिता कृपलानी कौन है? कौन है? सुचिता कृपलानी। सर रिपीट करो। द फर्स्ट फीमेल जो है टू बिकम चीफ मिनिस्टर। ठीक है, तो चीफ मिनिस्टर जो फर्स्ट फीमेल है जो बनी है उसका नाम क्या है? सुचिता कृपलानी। और ये सुचिता कृपलानी जो है फर्स्ट फीमेल जो है इंडियन स्टेट की सीएम जो है वो जो बनी है, कहाँ की बनी है? उत्तर प्रदेश। कहाँ की बनी है? उत्तर प्रदेश। फर्स्ट फीमेल गवर्नर ऑफ इंडियन स्टेट। फर्स्ट फीमेल गवर्नर ऑफ इंडियन स्टेट। बताओ, सरोजनी नायडू जो थी फर्स्ट फीमेल गवर्नर ऑफ इंडियन स्टेट इन उत्तर प्रदेश 15 अगस्त 1942 से लेके 2 मार्च 1949 तक ये गवर्नर बनी रही यूपी की। तो पहली फीमेल जो चीफ मिनिस्टर थी वो सुचिता कृपलानी थी उत्तर प्रदेश की, और जो पहली गवर्नर थी, जो फीमेल में पहली गवर्नर बनी, उनका नाम था सरोजिनी नायडू। नेक्स्ट राइट डाउन, फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। टेल मी। प्रतिभा पाटिल जो भारत की 12वीं राष्ट्रपति बनी थी। भारत की 12वीं राष्ट्रपति का नाम क्या था? प्रतिभा ताई पाटिल। और ये कब बनी थी? 19 जुलाई 2007 में। कब बनी थी? 19 जुलाई 2007।
ठीक है, लेकिन इन्होंने शपथ कब ली थी? 25 जुलाई को राष्ट्रपति पद की शपथ कब ली थी? 25 जुलाई 2007 में। 2007 में इंडिया ने पहला T20 वर्ल्ड कप जीता था महेंद्र सिंह धोनी की कैप्टेंसी में, और वही 2007 में युवराज ने 6 सिक्स मारा था। स्टुअर्ट ब्रॉड को, इज दिस क्लियर? यस सर। इज दिस क्लियर ऑल ऑफ यू? यस सर। अभी समझना है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इज दिस क्लियर? यस सर। नेक्स्ट राइट डाउन, फर्स्ट डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, फर्स्ट डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, सरदार वल्लभ भाई पटेल। वेरी गुड, सरदार वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट राइट डाउन, जो आपके हाल ही एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछा गया है, जो लेटेस्ट एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछा गया मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिया, फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिया, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। टेल मी, मौलाना अब्दुल कलाम। वेरी गुड, मौलाना अब्दुल कलाम, वेरी गुड, एक्सलेंट। आप जो आंसर दे रही हो, आपका नाम? कोमल वर्मा। कोमल, काफी अच्छा नॉलेज है तुम्हारा। थैंक यू सर। केबीसी खेलती हो क्या? नो सर। चलो ठीक है, नॉलेज होना अच्छी बात है, काफी अच्छा आंसर दे रहे हो, ठीक है। राइट डाउन, ड्राफ्टिंग कमिटी चेयरमैन, ड्राफ्टिंग कमिटी चेयरमैन, ड्राफ्टिंग कमिटी के चेयरमैन कौन थे? डॉक्टर बी आर अंबेडकर। राइट डाउन, डॉक्टर बी आर अंबेडकर। नेक्स्ट राइट डाउन, फ्लैग कमिटी चेयरमैन, फ्लैग कमिटी चेयरमैन, फ्लैग कमिटी चेयरमैन। जेबी कृपलानी, जेबी कृपलानी। जेबी कृपलानी नेक्स्ट, नेक्स्ट राइट डाउन, फर्स्ट होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, फर्स्ट होम मिनिस्टर पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल। फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। नेक्स्ट राइट डाउन,
हो गया? यस सर। चलो आगे बढ़ते हैं। The objective resolution, write down the objective resolution later it was become preamble of India. Next point, track down. In preambles, डबल इन्वर्टेड कॉमा में करके लिखना, वी आर दी पीपल ऑफ इंडिया, डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। आपके ऑप्शन में ये पूछा जाता है कि हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन प्रीएम्बल में स्टार्टिंग क्या होता है, वी आर द सिटीजन ऑफ इंडिया, वी आर द मेंबर ऑफ इंडिया, वी आर द पीपल ऑफ इंडिया। तो हम क्या है? We are the people of India. Not we are the citizen of India. ठीक है, हम citizen नहीं है इंडिया के, हम क्या है? People. Constitution यही बोलता है, we are the people of India. ठीक है? Yes sir. Next point write down, लिखो 42nd amendment. 42nd amendment in 1976 three words were added in preamble that is socialist, secular, integrity. ठीक है, नेक्स्ट। द ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टू प्रोवाइड्स जस्टिस, लिबर्टी, equality and fraternity to the citizen of India. FRATERNITY. Fraternity to the citizens of India. So, इसका मीनिंग क्या है?
हेलो हेलो अच्छा फैटर्निटी का मीनिंग क्या है? अच्छा फैटर्निटी आवाज आ रही है मेरी? यस सर। फैटर्निटी मतलब जैसे होता है कि मतलब जो एक वर्ग होता है ना, जैसे भाईचारा हम बोलते हैं ना, एक एक वर्ग में या एक जाति में दोस्ती जैसा, मतलब फ्रेंडली जैसा रहना, उसी को हम क्या बोलते हैं, फ्रेंडली जैसा रहना, मतलब फ्रेंडशिप की तरह रहना एक ही जात के साथ या अलग अलग वर्गों के साथ, ठीक है, भाईचारा बना के रखना, बंधु जैसे बंधु, ठीक है? यस सर। आई बात समझ में? भाईचारे के साथ रहना, ठीक है? हाँ सर। जैसे आप कौन से स्टेट से बिलोंग करती हो? यूपी। यूपी में जैसे बोलते हैं ना बिरादर। हाँ सर। बिरादर मतलब भाईचारा बन के रहते हैं ना। हाँ। पैटर्निटी वही होता है। अच्छा, समझ में? हाँ, आप एक दूसरे को बोलते हैं और चाचा कैसन बा ना इस टाइप का, समझ में? ये होती है आपकी पैटर्निटी, ठीक है? यस सर। आगे और कोई डाउट किसी को? चलो अच्छा, अब मैं कुछ क्वेश्चन करूं। यस सर। क्वेश्चन करूं? यस सर। चलो
तो लेट अस स्टार्ट द क्वेश्चन इंडियन पॉलिटी, ठीक है, जो आपके एग्जाम में आया है, ठीक है, सभी लोग रेडी रहिए, जो आपके एग्जाम का क्वेश्चन है वही आपसे पूछा जाएगा और ऐसा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑप्शन दिए जाएंगे, मैं नाम लेके पूछूंगा, तो जो रेडी है आंसर दीजिएगा, ठीक है, लीजिए कोई भी, सबसे पहला क्वेश्चन आपकी एग्जाम का, ठीक है, एसएससी सीजीएल 2016 एंड आरआरबी एनडीपीसी 2011 एसएससी एमटीएस 2012 द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज अडॉप्टेड ऑन, भारतीय संविधान अपनाया गया था, कब अपनाया गया था कैंडिडेट, 26 November 1949. अब आपसे एक और क्वेश्चन पूछा गया था, हु वॉज द फर्स्ट स्पीकर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, मैं स्पीकर नहीं बताया हूं ना, सबसे पहला स्पीकर कौन था, नहीं सर, नो सर, अगर मैं ऑप्शन दू तो, अगर मैं ऑप्शन दू तो आप गेस कर सकते हो, यस सर ट्राई करेंगे, फर्स्ट हुकुम सिंह, बलीराम भगत, रवि रॉय या जीवी मालवनकर, तो जीवी मालवनकर, वेरी गुड, गणेश वासुदेव मालवनकर इज द फर्स्ट लोकसभा स्पीकर, देन यू हैव टू राइट डाउन द फर्स्ट लोकसभा स्पीकर वॉज जीवी मालवनकर, नाउ एट प्रेजेंट लोकसभा स्पीकर कौन है, अभी लोकसभा स्पीकर कौन है ये बताओ, अभी लोकसभा स्पीकर कौन है, ओम बिरला, कौन है, ओम बिरला, उसके बाद हु अमंग द फॉलोइंग वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया, बताओ कौन था ये बताओ, बताओ कौन था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, एम ए जिन्ना, लाल बहादुर शास्त्री, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द प्रेसिडेंट ऑफ राजेंद्र प्रसाद असेंबली, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, वेरी गुड, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है, अच्छा एक बात बताओ, हमारा नेशनल एंथम गाने में कितना टाइम लगता है, नेशनल एंथम गाने में कितना टाइम लगता है, 52 सेकंड, हाँ 52 सेकंड, वेरी गुड 52 सेकंड, एंड टेल मी, एक और क्वेश्चन का आंसर मुझे दे दीजिए आप लोग, कि हमारा नेशनल एंथम पहली बार कब गाया गया था, व्हेन वाज आवर नेशनल एंथम फर्स्ट sung and where, when was 24th January 1950 was sung and where, hamara national anthem pehli bar 27 December 1911 mein Kolkata mein gaya gaya, kahan pe gaya gaya tha, Kolkata mein kyun gaya gaya tha, kya unko क्यों गाया गया था, कोई बता सकता है, गाना क्यों गाया गया था, उनका मन कर रहा था इसलिए गाया गया था, क्या रविंद्रनाथ टैगोर ने उसको लिखा था, तो किंग जॉर्ज फिफ्थ के सामने पर गाया गया था, बोलो कोई तो बोल रहा था कुछ, अच्छा इसमें स्टैंजा कितने होते हैं,
जनगण मन में नेशनल एंथम में स्टेंजा कितने होते हैं? जनगण मन में स्टेंजा कितने होते हैं? सर फोर पैराग्राफ पैरा वन पैरा टू पैरा फोर पैरा फाइव स्टेंजा कितने होते हैं टोटल? सर फोर पद कितने होते हैं? फोर पांच स्टेंजा होते हैं और इसको गाने में 52 सेकंड लगता है। महारानी विक्टोरिया और जॉर्ज पंचम जब भारत आने वाले थे तो उनके स्वागत में ये गीत गाया गया था, जन गण मन अधिनायक जय है। ठीक है, आर यू गेटिंग इट? यस सर। यस सर। देखिए एक एक सटीक पॉइंट जहां पे जरूरत रहेगी कि आपको डिटेल देना है तो मैं जरूर इसका डिटेल दे दूंगा। ठीक है, टेल मी व्हाट वाज द बेसिस फॉर कॉन्स्टिट्यूटिंग द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया। ऑप्शन ए द इंडिपेंडेंट एक्ट, द रेजोल्यूशन ऑफ द प्रोविंशियल। ऑप्शन सी द रेजोल्यूशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। ऑप्शन डी द कैबिनेट मिशन प्लान 1946। कैबिनेट मिशन प्लान, कैबिनेट मिशन गठित करने का आधार क्या था? व्हाट वाज द बेसिस फॉर द कॉन्स्टिट्यूएटिंग द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया? क्या था द कैबिनेट मिशन प्लान? क्या था कैबिनेट मिशन प्लान? क्या कैबिनेट मिशन प्लान में जो मेंबर्स चुने गए थे, टोटल कितने मेंबर्स चुने गए थे? मेंबर जो थे वो कांग्रेस के थे। किसके थे? कांग्रेस के थे। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाने के लिए, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाने के लिए कैबिनेट मिशन ने 296 मेंबर चुने थे, जिसमें से 211 जो थे कांग्रेस के थे और 73 मेंबर मुस्लिम लीग के थे और बाकी मेंबर का पोस्ट खाली कर दिया गया था। इज दिस क्लियर? यस सर। इज दिस क्लियर ऑल ऑफ यू? यस सर। अच्छा एक चीज और याद रखना, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में महात्मा गांधी नहीं शामिल थे। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में ऐसा कौन सा फेमस लीडर था जो शामिल नहीं था? महात्मा, बताओ। महात्मा गांधी, एमके गांधी। एमके गांधी शामिल नहीं थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। एमके गांधी शामिल नहीं थे। आगे, Who was the constitutional advisor? B.N. Rao. B.N. Rao. Dr. B.R. Ambedkar, Dr. B.N. Roy, या श्री के एम मुंशी? Dr. B.N. Rao. B.N. Roy. आप सब इंस्पेक्टर बनते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि ये सब इंस्पेक्टर एग्जाम का क्वेश्चन था। SSC CPO सब इंस्पेक्टर एग्जाम का क्वेश्चन। ठीक है, अच्छा कैंडिडेट आपसे एक थोड़ी सी विदा चाहूंगा। हेलो हेलो। हाँ सर। हमारे सोसाइटी में गणपति जा रही तो थोड़ा सा मुझे ज्यादा बोलना पड़ रहा है। ठीक है, इट्स अ फेसिंग अ प्रॉब्लम। सो मैं नेक्स्ट लेक्चर में थोड़ा सा आपका 15 मिनट्स एक्स्ट्रा ले लूंगा, चलेगा? चलेगा। थोड़ा सा मुझे प्रॉब्लम हो रहा है, नेक्स्ट लेक्चर में मैं 15 मिनट ज्यादा ले लूंगा। ओके ओके। यस सर। बाय ऑल ऑफ यू। थैंक यू सर। बाय सर। थैंक यू सर। सर बहुत जल्दी लेट हो गए।
मम्मी का करतो? हाँ